हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि अपने सोलर ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट को हम पीवी सोल प्रीमियम सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और शेडिंग एनालिसिस कैसे उसका डिज़ाइन किया जाता है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप और पार्ट वाइज मैंने वीडियोस बनाई थी। तो ये तो थे पीवी सोल सॉफ्टवेयर में अपने सोलर प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। आज की वीडियो से जो पीवीसी सॉफ्टवेयर है, जो कि एक सोलर डिज़ाइनिंग करने का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका ओरिएंटेशन, सिस्टम डिज़ाइनिंग, शेडिंग एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और फाइनली सिमुलेट करने के बाद उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर में जब हम अपने सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करते समय जब हम उसमें डिटेल लॉसेस को फिल करते हैं, तो डिटेल लॉसेस ऑप्शन को ओपन करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे लॉसेस के टैब ओपन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास जैसे थर्मल लॉस, ओमिक लॉस, आईएम लॉस, पीआईडी लॉस, मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, मॉड्यूल मिसमैच लॉस, पावर मिसमैच लॉस, ऐसे लगभग हमारे पास 12 डिटेल लॉसेस के सब टैब ओपन हो जाते हैं। अब ये जो बहुत सारे लॉसेस है, इनको हमें समझना भी है कि ये क्या है और इनको पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फिल भी करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे डिटेल लॉसेस टैब को भरते हैं, जिससे आपका जो ईयरली जनरेशन हो रहा है या जो भी आपके पावर प्लांट में डिटेल लॉसेस फिल करने के बाद क्या जनरेशन शो कर रहा है। तो जैसे कि पीवीसी सॉफ्टवेयर में हम देख लेते हैं कि हमें अपने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को पीवीसी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते समय डिटेल लॉसेस वाले टैब में कितने टाइप के लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं अपने प्लांट में। तो डिटेल लॉसेस वाले टैब को ओपन करने के बाद जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉसेज जो हमें शो होता है वो है थर्मल लॉसेज, देन ओमिक लॉसेज, देन थर्ड हमारे पास होता है मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेज, जिसमें हम अपने मॉड्यूल के जो टॉलरेंस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें जो लॉस देखने को मिलता है अपने सोलर पीवी मॉड्यूल में वो हम फिलअप करते हैं। देन एलआईडी लॉसेस, ये भी हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड लॉसेस होते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने मॉड्यूल को अपने साइट में इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम सनलाइट एक्सपोज होने के बाद जो हमारे पास लॉसेस होता है वो एलआईडी लॉसेस होता है। देन सॉइलिंग लॉसेस, आईएम लॉसेस, ऑक्सिलरी लॉसेस एंड एक्जिंग लॉसेस, एंड 9 हमारे पास अनअवेलेबिलिटी लॉसेस एंड 10 हमारे पास स्पेक्टर लॉसेस। करेक्ट। तो ये हमारे सारे सोलर पीवी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारे लॉसेस होते हैं। तो अगर पीवीसी सॉफ्टवेयर में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस टैब में मुझे क्या लॉसेस फिलअप करना चाहिए, तो आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल लॉसेस को कैसे फिलअप करेंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग करते समय डिटेल लॉसेस टैब को समझने के लिए और उसको कैसे फिलअप किया जाता है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसको डिटेल वाइज समझने के लिए मैं अलग अलग लॉसेस टैब की अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट लॉसेस हमारा है थर्मल लॉस। तो थर्मल लॉस मींस आपका टेम्परेचर लॉस। तो टेम्परेचर आपका जितना ज्यादा साइट में होगा आपका मॉड्यूल टेम्परेचर पड़ेगा और वोल्टेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यह इफेक्ट देखने के लिए आप अपने मॉड्यूल की डेटा शीट में देख सकते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर कॉफिशियंट लिखा होता है, जिसमें वीओसी के लिए टेम्परेचर कॉफिशियंट और करंट के लिए यानी आईएमपी के लिए भी टेम्परेचर कॉफिशियंट लिखा होता है और पावर और आईसी के लिए भी इसी तरह। तो सिंकिंग टेम्परेचर मीन्स आपका राइजिंग वोल्टेज मॉड्यूल का और राइजिंग टेम्परेचर मीन्स आपका सिंकिंग वोल्टेज। तो आइए अब समझते हैं कि हम पीवीसी सॉफ्टवेयर में डिटेल लॉसेस टैब में थर्मल लॉस को कैसे फिलअप किया जाता है। ओके, तो जैसे मैं अपनी पीसी की स्क्रीन में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं एक सोलर ग्रिड कनेक्टर रूफटॉप पावर प्लांट डिजाइन कर रहा था, जिसका मैंने ओरिएंटेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, सिस्टम, ये सारे पैरामीटर मैंने यहाँ पर फिल करिए। तो डिटेल लॉसेस टैब में जाने के बाद जो थर्मल पैरामीटर है इसको हम कैसे फिलअप करते हैं, यहाँ पर जो फील्ड थर्मल लॉस फैक्टर है, तो पीवीसी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर पहले ही मैसेज शो किया है, यू कैन डिफाइन आइदर द फील्ड थर्मल लॉस फैक्टर और द स्टैंडर्ड एनोसिटी कोएफिशिएंट, द प्रोग्राम गिव द इक्विवेलेंट, मींस जो आपका फील्ड थर्मल लॉस फैक्टर है या आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अपने जो भी पैरामीटर्स हैं साइट के अकॉर्डिंग, आपका जो टेम्परेचर डेटा है या आप अपने पीवी एरे में वोल्टेज यानी वीओसी या वीएमपीपी के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे फील्ड थर्मल लॉस फैक्टर में जो यहाँ पर थर्मल लॉस फैक्टर शो कर रहा है यू इक्वल टू यूसी प्लस यूवी, तो यूवी हमारा विंड लेवल का लॉस फैक्टर है, मीन्स जो हमारे विंड में थर्मली विंड फैक्टर है हमारे पास वो कितना है। तो यूवी जो है, जो विंड लॉस फैक्टर है हमारा, तो इसको इसीलिए पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी यहाँ पर 0.0 इसकी वैल्यू रखी गई है। देन यहाँ पर जो कांस्टेंट लॉस फैक्टर यूसी है, तो हम कांस्टेंट लॉस फैक्टर को भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू माउंटिंग, इसमें जो हमारे पास 3 टाइप के ऑप्शन दिए हैं, जो तो फर्स्ट टाइप है जैसे प्री माउंटेड मॉड्यूल्स विद एयर सर्कुलेशन, मीन्स आपका ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट है या आप ऐसी रूफ टॉप में अपने सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पर एयर सर्कुलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, मीन्स काफ़ी ओपन एरिया है। तो अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल में हमारे पास एयर सर्कुलेशन काफ़ी बढ़िया रहता है या ओपन एरिया में हमारे पास मॉड्यूल है जैसे ग्राउंड माउंटेड या किसी भी रूफ टॉप में,
तो हमारे पास जो एम्बियंट टेम्परेचर उसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हमारा मॉड्यूल को डिग्रेड होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और जो थर्मल लॉस होगा वो कम से कम देखने को हमें मिलेगा अपने साइट में। एंड सेकंड वाला है यहाँ पर सेमी इंटीग्रेटेड विद एयर डक्ट बिहाइंड। तो अगर आपके रूफटॉप में कुछ ऐसी चीज है जिससे हमारा पावर प्लांट में थर्मली इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स जैसे आपके रूफटॉप में कोई कंट्रोल रूम है या आपके रूफटॉप में जहाँ पे आपने मॉड्यूल माउंट किए उसके जस्ट बिहाइंड या दाएं बाएं एसी एग्जॉस्ट फैंस हो, तो उससे भी थर्मल इफेक्ट काफी पड़ता है हमारे मॉड्यूल के पास, तो इससे थर्मल लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन थर्ड है हमारे पास इंटीग्रेशन विद फुली इंसुलेटेड बैक। तो फुली इंसुलेटेड यहाँ पर हमारे जो मॉड्यूल के बैक साइड होती है जो ईवीए इंसुलेटेड शीट होती है, तो ये हमारा किस जगह यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉड्यूल का टिल्ट एंगल 20 डिग्री है और हम अपने मॉड्यूल्स को ऐसे रूफटॉप में इंस्टॉल्ड कर रहे हैं जहां पर रूफटॉप का ही टिल्ट एंगल ट्रू साउथ में 20 डिग्री है। अगर रूफटॉप हमारी ट्रू साउथ की डायरेक्शन में है तो हमें अपने मॉड्यूल्स को रूफटॉप के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। तो मॉड्यूल का हमारा जस्ट बैक साइड जो होगा और रूफटॉप का सरफेस होगा, उनके बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगी, तो हमारा फुली इंसुलेटेड बैक का ऑप्शन यहाँ पर उसी के लिए सेलेक्ट होगा। देन यहाँ पर जो राइट साइड में शो कर रहा है एनओसीटी इक्विवेलेंट फैक्टर, तो एनओसीटी मीन नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। अब ये एनओसीटी यानी नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर क्या होता है? एनओसीटी मीन्स नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। तो क्योंकि अलग अलग साइड में हमें अलग अलग टेम्परेचर डेटा यानी जो हमारे पास एनवायरमेंटल डेटा होता है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है, तो हमारे मॉड्यूल के लिए एक एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा की जरूरत पड़ती है। तो इसके वैल्यू जैसे रेडियंस की वैल्यू 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड एम्बियंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो आप एनओसीटी यानी नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर क्या है उसको क्लियरली समझ गए होंगे, और पीवीसी सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैसेज भी शो कर रहा है डोंट यूज द एनओसीटी अप्रोच, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग व्हेन अप्लाइड टू एन एरे। एनओसीटी कंफ्यूजिंग क्रिएट इसलिए कर देगा क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमारा एम्बियंट टेम्परेचर किस टाइम में कितना होता है, और अगर आप सीधा एनओसीटी एनीवे वाले ऑप्शन में क्लिक करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एनओसीटी फैक्टर वाले ऑप्शन में दिखेगा आपको अल्टरनेटिव डेफिनेशन एनओसीटी कोएफिशिएंट 56 डिग्री सेल्सियस है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 56 डिग्री सेल्सियस इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है इन्होंने ओपन सर्किट अंडर जी इक्वल टू 800 वॉट मीटर स्क्वायर, जी यहाँ पर इरेडियंस को शो कर रहा है, देन टी ए एम बी इक्वल टू 20 डिग्री, तो टी ए एम बी मीन्स एम्बियंट, देन विंड यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर एनओसीटी की टोटल वैल्यू दे रखी है, देन एनओसीटी फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जैसे यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर शो कर रहा है 56 डिग्री सेल्सियस। तो एनओसीटी ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए यहाँ पर 56 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर लोडेड मीन्स अगर वीएमपीपी, अगर हमारे पास वीएमपीपी जो मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज होती है अगर हमारा लोड कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। तो ये था क्लियरली थर्मल लॉस फैक्टर जो हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स में या सोलर पावर प्लांट में देखने को मिलता है, और उसका पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर में कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, कैसे उसके फैक्टर फिल किए जाते हैं, तो ये क्लियर हो गया। देन आपको इसको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये था पीवीसी सॉफ्टवेयर में हमारा डिटेल लॉसेस टैब में थर्मल लॉस डिटेल को हम कैसे फिल करते हैं पीवीसी सॉफ्टवेयर में और ये क्या चीज होती है। आगे जो नेक्स्ट टैब है डिटेल लॉसेस टैब में वो है ओमिक लॉस। तो नेक्स्ट वीडियो ओमिक लॉस डिटेल के बारे में मैं बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।